नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा थोरिया। हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर डे मनाया जाता है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके संकेतों को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम रखे जाते हैं ताकि लोग सही समय पर इसकी पहचान कर सके। 1933 में WHO की पहल पर कैंसर दिवस को मनाने की पहल की गई थी। तब से लेकर अब तक हर साल कैंसर दिवस पर नई थीम जारी की जाती है, जिसके तहत कैंसर को लेकर गलत फहमियाँ दूर करने और जनता को कैंसर के खतरों के बारे में जागरूक करने के साथ साथ इसके लक्षण और बचाव के बारे में जानकारी देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस साल विश्व कैंसर दिवस को क्लोज द केयर गैप थीम के साथ मनाया जा रहा है। कैंसर कई तरह का होता है, जैसे कि ब्लड कैंसर, स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेन कैंसर, बोन कैंसर, लंग कैंसर और पेनक्रियाटिक कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही शरीर में सिहरन दौड़ उठती है। कष्टदायी कीमोथेरेपी सर्जरी की कल्पना से ही लोग डर जाते हैं। लंबे इलाज के बाद भी कुछ का जीवन बच पाता है तो कुछ लोग इलाज के बावजूद इस साइलेंट किलर की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। हम आपको कैंसर के शुरुआती लक्षणों के बारे में बताते हैं, जिन्हें समय पर पहचान कर आप जल्द और सफल इलाज करा सकते हैं। आपको बता दें कि बेवजह वजन कम होना, हमेशा थकान महसूस करना, बुखार आना, सांस लेने में दिक्कत होना, कुछ खाकर उसको निगलने में दिक्कत होना, त्वचा पर कुछ गांठ महसूस होना, ये सब कैंसर के शुरुआती लक्षण हैं। अगर आपको कैंसर का कोई भी लक्षण नजर आता है तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, ये एक गंभीर रूप ले सकता है, इसलिए समय पर इसका इलाज जरूरी है। आपको बता दें कि भारत में लगभग 20 लाख से भी ज्यादा लोग कैंसर से जूझ रहे हैं। भारतीय पुरुषों में इसका खतरा 9.81% है। आइए आपको बता दें कि कैंसर से किन लोगों को ज्यादा खतरा है। जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उन्हें कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है। पूरी नींद ना लेना कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकता है। इसके अलावा सिगरेट पीना, तंबाकू का सेवन करने वालों को भी कैंसर होने का खतरा बना रहता है। जो लोग शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं रहते उनमें भी कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। असुरक्षित यौन संबंध एड्स, हेपेटाइटिस के साथ ही कैंसर के जोखिम को भी बढ़ाता है। कैंसर से बचाव के लिए आपको असुरक्षित यौन संबंध बनाने से बचना होगा। कैंसर से बचने के क्या उपाय हैं, आइए आपको बताती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आप अपनी डाइट में कुछ सुधार और बदलाव करके कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है वो चीजें जिनके सेवन से हम कैंसर को हरा सकते हैं। ब्रोकली खाने से कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है। इसे माउथ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लीवर कैंसर होने का खतरा काफी कम होता है। हफ्ते में 2 से 3 बार ब्रोकली खाना फायदेमंद होता है। इसके अलावा ग्रीन टी पीने से भी कैंसर का खतरा कम होता है। ये ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर से सुरक्षित रखने में मददगार है। नियमित रूप से 2 से 3 कप ग्रीन टी पीना फायदेमंद है। इसके अलावा टमाटर, ब्लूबेरी और अदरक लहसुन भी कैंसर से बचाव में सहायक साबित हो सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।